जगत फाउंडेशन बंद करो बंद करो, जगत फाउंडेशन बंद करो बंद करो, जगत फाउंडेशन बंद करो बंद करो, जमीन जिहाद बंद करो बंद करो, जमीन जिहाद बंद करो बंद करो, यूपीएससी जिहाद बंद करो बंद करो, यूपीएससी जिहाद बंद करो बंद करो, यूपीएससी जिहाद बंद करो बंद करो, अफसर शाही जिहाद बंद करो बंद करो, अफसर शाही जिहाद बंद करो बंद करो, न्यायपाल का जिहाद बंद करो बंद करो, न्यायपाल का जिहाद बंद करो बंद करो, जगत फाउंडेशन बंद करो बंद करो। गोविंद वाधवा सोशल मीडिया पर गोविंद हिंदुस्तानी के नाम से छाए हुए, हिंदुत्व के मुद्दे को प्रबल पैरे के नाम से जाने जाने वाले गोविंद वाधवा आज गांधी पार्क पर मौजूद हैं। गोविंद जी, किन मुद्दों को लेकर आज आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया है? देखिए, आज का जो मुद्दा है बहुत अहम गंभीर मुद्दा है, दिखने में तो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब उसको आप जमीनी स्तर पर देखेंगे, धरातल पर देखेंगे, तो आपको ऐसे कई सारे साक्ष्य कई सारे सबूत देश विरोधी मिलेंगे। जैसे कि अभी एक चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था, यूपीएससी जिहाद, वो सबने सुना है, और उस मुद्दे को आप कुछ उसके सारे तथ्य सुन करके आप हैरान हो जाएंगे कि जितने भी सांप नेवले हमारे जमीनों में कुरत कुरत करके हमारे देश को खा रहे थे, वो सब बाहर निकल करके आ गए, और उस एक देश के चौथा जो स्तंभ है मीडिया का, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट, जहां पर यूपीएससी से पढ़े हुए लोग, इस्लामिक लोग, उर्दू भाषा का पढ़ करके हमारी गद्दियों पर बैठने वाले, हमारी राजगद्दी पर विराजने वाले अफसरशाही, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबके सब इन हाथों की कठपुतलियां बनी हुई हैं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस देश में इन लोगों के होते हुए जहां पर शरीयत कानून लागू हो जाएगा। हमने इसी मुद्दे पर आवाज उठाई है, हमने एक आवाज उठाई है कि यूपीएससी में जो जिहाद हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसको जो सपोर्ट करने वाला है जकात फाउंडेशन, उसकी सीबीआई से जांच करवानी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों जो गुनाहगार हैं उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी तथ्य को जानो, इसको पहचानो, गूगल में सर्च करिए। आप लोग, आपके पास व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, गूगल भी है, आप उनमें ध्यान दीजिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए कि किस प्रकार से ऐसी साजिश रची जा रही है हमारे देश को खोखला करने की। आज हिंदू युवानी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन उठाया है, और यही प्रदर्शन धीरे धीरे, हमने जो चिंगारी जलाई है वो प्रदर्शन धीरे धीरे आपके रूप में लेगा, और बहुत जल्दी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जय श्री राम। हिंदुत्व के मुद्दे को हिंदू युवानी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा ने जिस तरीके से उठाया है सरकार तक पहुँचाने के लिए, देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। धन्यवाद।